हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉरनर्सिस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आई एम नीरज कुमार कैथल। टुडे इज 31 मार्च 2023। लेट्स बिगिन टुडेज एमसीक्यू सेशन फॉर अपकमिंग एम्स नॉरसेट एग्जाम। आर फर्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल रेंज ऑफ सेंट्रल वीनस प्रेशर इज। नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर कितना होता है ये आपको बताना है। 10 to 20 सेंटीमीटर्स, 5 to 10 सेंटीमीटर्स H2O, 5 to 15 सेंटीमीटर H2O, 10 to 15 सेंटीमीटर H2O। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 5 to 15 सेंटीमीटर H2O। किसी भी जगह जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो इसका मेजरमेंट सेंटीमीटर H2O या फिर mm और Hg में किया जा सकता है। जैसे कि आप ब्लड प्रेशर नापते हैं तो 80/120 mm ऑफ Hg नॉर्मल बताते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी सेंट्रल वीनस प्रेशर को अगर mm ऑफ Hg में मापेंगे तो ये 2 से 6 mm ऑफ Hg माना जाएगा। तो अगर एग्जामिनर आपको ये वैल्यू दे 2 से 6 mm ऑफ Hg तो ये सही है, या फिर सेंटीमीटर H2O में 5 to 10 दे तो ये वैल्यू सही है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉल्ड गेटवे ऑफ पेन अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ पेन सेंसेशन। पेन सेंसेशन प्रिंसिपल के अनुसार गेटवे ऑफ पेन किसे कहा जाता है? जैसे कि आपने सुना होगा गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में स्थित है, जो जिसे हम भारत में एंट्री का दरवाजा बोलते थे, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर गेटवे ऑफ पेन किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन स्टेम को, हाइपोथैलेमस को या फिर क्रेनियल नर्व्स को। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्पाइनल कॉर्ड को। जैसे ही हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में पेन सेंसेशन जनरेट होता है, किसी जगह पर इंजरी होती है, इससे पेन का मैसेज बनता है, ये तुरंत ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, इसे पहले स्पाइनल कॉर्ड से होकर गुजरना होता है और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद न्यूरोलॉजिकल गेट्स ये डिसाइड करते हैं कि क्या इस पेन सेंसेशन को हमें ब्रेन तक जाने देना है या नहीं जाने देना है। जैसे कि किसी बिल्डिंग के बाहर लगा सिक्योरिटी गार्ड ये निश्चित करता है कि क्या ये आदमी इस सोसाइटी का है, इस बिल्डिंग का है, तो उसे अंदर आने दिया जाए, और अगर वो कोई सस्पिशियस पर्सन है, कोई गड़बड़ आदमी है, तो उसे बाहर ही रोक दिया जाता है। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर अप्लाई होता है। जैसे ही किसी जगह चोट लगी, यहां से पेन सेंसेशन चलेगा और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचेगा। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद न्यूरोलॉजिकल गेट्स इस सेंसेशन को एनालाइज करके ये निश्चित करेंगे कि इसे ब्रेन तक जाने दिया जाए या फिर खुद ही एक्शन लेकर इस चीज को सॉल्व आउट कर लिया जाए। तो याद रखिएगा, इसी वजह से गेटवे ऑफ पेन के रूप में स्पाइनल कॉर्ड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नर्स इज एनालाइजिंग सीरम लेबोरेटरी रिजल्ट्स फॉर 73 ईयर्स ओल्ड फीमेल क्लाइंट शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी इन 2 आवर्स। द नर्स कॉन्क्लूड्स दैट विच रिजल्ट वुड वॉरेंट द मोस्ट इमीडिएट नोटिफिकेशन ऑफ द फिजिशियन। किसी 73 ईयर्स ओल्ड फीमेल की 2 घंटे बाद सर्जरी होने वाली है,
इस पेशेंट की लैब रिपोर्ट में इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग मिलने पर आप तुरंत फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे, डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे? ऑप्शन ए, अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम 42 सेकेंड्स आए। ऑप्शन बी, क्रिएटिनिन लेवल 1.0 mg/dL आए, पोटेशियम लेवल 4.5 mEq/L आए, या फिर हीमोग्लोबिन लेवल मोर देन 11 g/dL आए। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोथ्रोम्बिन टाइम 42 सेकेंड्स। याद रखिएगा, किसी भी पेशेंट के लिए नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है वो 9 to 11 सेकेंड्स के बीच में होता है। अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम 9 से 11 सेकेंड्स के बीच में है तब तो हम इसे नॉर्मल मानेंगे, और अगर क्लॉटिंग टाइम इससे ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि यहाँ दिया गया है 42 सेकेंड्स, तो ये इस स्थिति में क्लाइंट के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। क्लाइंट को इतना प्रोथ्रोम्बिन टाइम होने पर हमें ब्लीडिंग प्रिकॉशंस पर रखना होता है। इस प्रोथ्रोम्बिन टाइम के इंक्रीज के मिलते ही हम तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे और इस कंडीशन के बारे में बताएंगे। आइए बात कर लेते हैं रिमेनिंग वैल्यूज क्रिएटिनिन, पोटेशियम और हीमोग्लोबिन के बारे में कि इनका नॉर्मल लेवल कितना कितना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिएटिनिन लेवल की। आप चाहें तो साथ ही साथ इसे नोट कर सकते हैं, नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल। नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल सबसे पहले हम बात करेंगे मेल्स के अंदर। यस, इट इज डिफरेंट इन मैन एंड वुमेन्स। मैन और वुमेन, मैन के अंदर नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल 0.7 से लेकर 1.3 mg/dL के बीच होता है, जबकि फीमेल्स की बात की जाए तो मेल्स की तुलना में ये कुछ कम, 0.6 से लेकर 1.1 mg/dL के बीच में देखने को मिलता है। किसी भी क्लाइंट के अंदर किडनी का फंक्शन कैसा है, इस चीज का असेसमेंट करने के लिए हम क्रिएटिनिन लेवल चेक कराते हैं। अगर क्रिएटिनिन का लेवल नॉर्मल है तो इसका मतलब है क्लाइंट की किडनीज अच्छी तरह से फंक्शन कर रही हैं। नेक्स्ट नोट करिएगा पोटेशियम लेवल। पोटेशियम को आप K+ के रूप में लिख सकते हैं। पोटेशियम के लेवल की बात करेंगे अडल्ट और चाइल्ड दोनों के अंदर। पहले लिखिएगा अडल्ट के लिए, अडल्ट के अंदर पोटेशियम का लेवल 3.5 से लेकर 5.2 mEq/L के बीच में होता है। अगर किसी अडल्ट पर्सन के अंदर पोटेशियम का लेवल 3.5 से 5.2 mEq/L के बीच है तब तो आप इसे नॉर्मल मानेंगे। अब बात करते हैं चाइल्ड की। चाइल्ड का मतलब हो गया यहाँ पर 1 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे। इनके अंदर नॉर्मल पोटेशियम लेवल 3.4 से 4.7 mEq/L के बीच होता है। 3.4 to 4.7 mEq/L। अगर हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए, दोनों ही कंडीशंस में एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स जनरेट होने लगती हैं, यानी डिसरिथमिया जैसी कंडीशन होने लगती है, तो हम कह सकते हैं कि पोटेशियम सीधे सीधे हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को प्रभावित करता है। किसी भी क्लाइंट को अगर आप पोटेशियम
आईवी रूट से देने जा रहे हैं तो हमेशा इसे डिसॉल्व करके बिल्कुल स्लोली पुश करें, अदरवाइज सडन पोटेशियम के इन्फ्यूजन से क्लाइंट की डेथ हो सकती है। कुछ ही सेकेंड्स में उसका हार्ट काम करना बंद कर सकता है। ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा अगर किसी क्लाइंट को हाइपोकैलीमिया होता है यानी पोटेशियम की कमी हो जाती है तो उसका ईसीजी करवाने पर हमें एबनॉर्मल यू वेव देखने को मिलेगी। अब नोट कर लीजिएगा हीमोग्लोबिन के लेवल के बारे में। नॉर्मल एचबी लेवल सबसे पहले मैन के अंदर, फिर वुमेन के अंदर। मैन के अंदर आप नोट कर सकते हैं 12 टू 14 या सॉरी इसे आप 14 टू 16 कर लीजिए और वुमेन के अंदर 12 टू 14 कर दीजिए। दिस इज द नॉर्मल एचबी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताना है आपको। ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, ऑप्शन बी अल्टीमेट नर्सिंग इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड, ऑप्शन सी यूनाइटेड नर्सिंग इंडियन चाइल्ड एमरजेंसी फंक्शन, ऑप्शन डी यूनिक नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, आप बिल्कुल सही हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। और याद रखिएगा इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनेस्ट सिम्टम ऑफ फॉरेन बॉडी इन रेस्पिरेटरी पासेज ऑफ अ चाइल्ड। अगर किसी बच्चे के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई चीज अटक जाए, फंस जाए यानी चॉकिंग हो जाए तो कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा? वीजिंग, साइनोसिस, वॉमिटिंग, कफिंग। The right answer is cough. जैसे ही गले के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रैकिया में कोई चीज अटक जाती है, फंस जाती है, चॉकिंग हो जाती है तो पर्सन में सबसे पहले कफिंग देखने को मिलती है, खांसी आती है उसे। इस खांसी के थ्रू हमारी बॉडी इस फॉरेन सब्सटेंस को गले से बाहर निकालने का प्रयास करती है। अगर ये चीज गले से बाहर नहीं निकल पाती है तो उसके बाद क्लाइंट में वॉमिटिंग, साइनोसिस और वीजिंग जैसी फाइंडिंग्स भी देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ होती चारों चीजें हैं लेकिन सबसे पहले और सबसे ज्यादा यानी कॉमनेस्ट सिम्टम जो देखने को मिलता है वो कफिंग होता है, खांसी आने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A lesion in the occipital lobe of cerebrum affect. अगर हमारे ब्रेन के सेरिब्रम के occipital lobe के अंदर lesion हो जाए, कोई डेथ सेल्स का एरिया बन जाए, कोई चोट लग जाए तो कौन सा फंक्शन प्रभावित हो सकता है? विजन, स्पीच, हियरिंग, पर्सनैलिटी। हमारे ब्रेन का
सेरेब्रम वाला हिस्सा अलग अलग लोब्स में डिवाइडेड रहता है और हर लोब का एक विशेष फंक्शन होता है। जैसे कि अगर किसी क्लाइंट के ऑक्सीपिटल लोब के अंदर इंजरी हो जाए या यहाँ पर लीजन बन जाए, कोई चोट बन जाए, तो इसकी वजह से हमें देखने में दिक्कत आ सकती है। हमारे स्कल के पोस्टीरियर लोअर पार्ट वाला हिस्सा ऑक्सीपिटल लोब के नाम से जाना जाता है और इस एरिया के अंदर विजुअल सेंटर्स पाए जाते हैं जो कि हमें देखने में मदद करते हैं। तो अगर इस एरिया में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो इससे हमारा विजन प्रभावित हो सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रेन का कौन सा लोब ऑडिटरी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो आप बताएंगे टेम्पोरल लोब। ऑल्फैक्टरी फंक्शन के लिए भी टेम्पोरल लोब, गस्टेटरी फंक्शन के लिए पेराइटल लोब। गस्टेटरी का मतलब हो गया टेस्ट से रिलेटेड, ये आपके पेराइटल लोब से कंट्रोल होता है। इसके अलावा आपके पेराइटल लोब्स में ही सोमेटो सेंसरी एरियाज भी पाए जाते हैं और मोटार एरिया आपके फ्रंटल लोब के अंदर पाए जाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिएगा। प्रीवियस एग्जाम में इन लोब्स के फंक्शंस को पूछा गया है। विजन सेंटर, ऑक्सीपिटल लोब, ऑडिटरी, टेम्पोरल, ऑल्फैक्टरी, टेम्पोरल, गस्टेटरी, पेराइटल, सोमेटोसेंसरी, पेराइटल, मोटार, फ्रंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेशेंट रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स लाइक इंक्रीज टेम्परेचर, चिल्स एंड पेन इन द चेस्ट, दीज सिम्टम्स आइडेंटिफाइंग अ। किसी पेशेंट को आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे थे और अचानक से उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, उसे चिल्स फील होती हैं यानी ठंड लगकर कपकपाहट होती है और चेस्ट में पेन होने लगता है। अगर क्लाइंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ये तीनों चीजें देखने को मिलें तो ये इन चारों में से किस कंडीशन के होने को बताती हैं? ऑप्शन ए हीमोलाइटिक रिएक्शन, ऑप्शन बी सर्कुलेटरी ओवरलोड, ऑप्शन सी सिट्रेट टॉक्सिसिटी, ऑप्शन डी एलर्जिक रिएक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हीमोलाइटिक रिएक्शन। अगर किसी क्लाइंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय पहले 10 से 15 मिनट में शिवरिंग होने लगे, हेडेक होने लगे, फ्लैंक पेन हो, पल्स रेट बढ़ जाए, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाए या फिर उसमें शॉक जैसे सिम्टम्स देखने को मिलें, तो इसका मतलब है कि क्लाइंट के अंदर हीमोलाइटिक रिएक्शन हो चुकी है। एक बार फिर से समझिएगा, आपने किसी क्लाइंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू किया और शुरुआती 15 मिनट के अंदर ही उसे बेचैनी, घबराहट, कपकपाहट, बॉडी पेन, फ्लैंक पेन, इंक्रीज पल्स, चेस्ट पेन जैसी फाइंडिंग्स हो, तो इसका मतलब है कि क्लाइंट के अंदर हीमोलाइटिक रिएक्शन हो गई है। इसके बाद अगर पहले 30 मिनट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है और उसके बाद क्लाइंट को चिल्स, फीवर, मसल स्टिफनेस जैसी कंडीशन होती है तो आप इसे फेब्राइल रिएक्शन के रूप में जानते हैं। और अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन पूरा कंप्लीट हो जाए और उसके बाद क्लाइंट को अचानक से स्किन इचिंग होने लगे, वीजिंग साउंड होने लगे, चेहरा लाल हो जाए यानी फ्लशिंग हो जाए, प्रूराइटिस हो, ज्वाइंट पेन होने लगे, तो इसका मतलब है कि क्लाइंट में एलर्जिक रिएक्शन डेवलप हुई है। तो यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय तीन टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं। पहले 15 मिनट के अंदर प्रॉब्लम होती है तो हीमोलाइटिक रिएक्शन, 30 मिनट के बाद प्रॉब्लम होती है तो फेब्राइल रिएक्शन, और पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट हो जाने के बाद अगर उसे
किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप इसे एलर्जिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब मान लीजिए आप क्लाइंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे थे और अचानक इनमें से हीमोलाइटिक या फेब्राइल रिएक्शन डेवलप हो जाती है। क्लाइंट कहता है मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो इस समय आपको सबसे पहले जो ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है उसे स्टॉप कर देना है। यानी कि इस क्वेश्चन को प्रीवियसली कई बार पूछा भी गया है, पेशेंट द्वारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फील करने पर हम सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करते हैं। दिस इज द फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन। इसके बाद ड्यूटी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना सेकेंड प्रायोरिटी मानी जाती है। इसके बाद डॉक्टर के दिए ऑर्डर के अनुसार हम आईवी ट्यूबिन को हटाकर नया कैन्यूला या नई आईवी लाइन कनेक्ट करते हैं और प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार फ्लूइड का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें क्लाइंट के अंदर वाइटल साइंस का मॉनिटर करते रहना है, इनटेक आउटपुट भी चेक करना है, क्योंकि जब क्लाइंट में हीमोलाइटिक रिएक्शन होती है तो उसके अंदर किडनी फेलियर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन कॉजिंग रीनल कैल्कुलाई। इनमें से कौन सी कंडीशन की वजह से रीनल कैल्कुलाई हो सकते हैं? किडनी स्टोन्स हो सकती हैं, किडनी की पथरी हो सकती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से, रीनल ट्यूमर्स की वजह से, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यहां पर इस चीज को याद रखिएगा, हमारे शरीर के अंदर कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन नाम के दो हॉर्मोन्स पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर जब कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगता है तो इस सिचुएशन में बॉडी के द्वारा कैल्सिटोनिन का सिक्रीशन करवाया जाता है और इस कैल्सिटोनिन हार्मोन के इफेक्ट के कारण ब्लड में मौजूद कैल्शियम बोन के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है और ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मल हो जाता है। अब ऑपोजिट एक्शन है पैराथार्मोन का। जब हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो इस सिचुएशन में बॉडी के द्वारा पैराथायरॉइड हार्मोन का सिक्रीशन करवाया जाता है और इस हार्मोन के द्वारा बोन के कैल्शियम को वहां से निकाल कर ब्लड में ट्रांसफर कर दिया जाता है और ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, जब हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगी तो इनके द्वारा बहुत ज्यादा पैराथायरॉइड हार्मोन का सिक्रीशन बना करवाया जाएगा और इस हार्मोन के हाई लेवल के कारण ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम ब्लड में रहेगा, हाइपर कैल्सीमिया वाली कंडीशन होगी और फिर ये कैल्शियम किडनीज के अंदर जाकर डिपॉजिट होकर स्टोन का फॉर्मेशन करेगा, कैल्कुलाई का फॉर्मेशन करेगा। इसी वजह से कहा जाता है कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कंडीशन की वजह से किडनी स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। आप चाहें तो आपके रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली वार्निंग साइन फॉर द कैंसर ऑफ द लंग्स। इनमें से लंग्स कैंसर होने पर अर्ली वार्निंग साइन कौन सा देखने को मिलेगा? परसिस्टेंट कफ, अफेसिया, डिस्फेसिया, अनयूजुअल ब्लीडिंग।
राइट आंसर इज ऑप्शन ए, परसिस्टेंट कफिंग। लंग कैंसर होने पर पेशेंट को लंबे समय तक लगातार कफिंग होती है, खांसी आती है। दिस इज द अर्ली वार्निंग साइन ऑफ लंग कैंसर। अफेशिया का मतलब होता है बोल नहीं पाना, डिस्फेशिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, और अनयूजुअल ब्लीडिंग इज नॉट द अर्ली वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम Type 1 डायबिटीज नीड्स, अगर किसी क्लाइंट को Type 1 डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है तो इस सिचुएशन में ट्रीटमेंट के लिए उसे क्या दिया जा सकता है? डाइट थेरेपी ओनली, ओरल हाइपोग्लाइसिमिक ड्रग्स, इंसुलिन थेरेपी, डाइट एंड ओरल हाइपोग्लाइसिमिक ड्रग्स। डायबिटीज जो है दो प्रकार की होती है, Type 1 एंड Type 2। Type 1 डायबिटीज को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस या जुवेनाइल डायबिटीज के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की डायबिटीज के अंदर पैंक्रियास की इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली बीटा सेल्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, और इसी वजह से Type 1 डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए हमें क्लाइंट को बाहर से इंसुलिन देना होता है, इंसुलिन इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। सेकेंड डायबिटीज का टाइप है Type 2, इसे नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस कंडीशन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्लाइंट की पैंक्रियास की बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन तो बनाया जा रहा होता है, लेकिन जो बॉडी सेल्स होते हैं उन पर मौजूद इंसुलिन रिसेप्टर्स इस इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इनके लिए रेसिस्टेंट हो जाते हैं, और इस कंडीशन में आप चाहे कितना भी इंसुलिन क्लाइंट को दे दें, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो रिसेप्टर्स हैं वो इसके अगेंस्ट हो चुके हैं। तो इस सिचुएशन में आप इंसुलिन थेरेपी का इस्तेमाल इफेक्टिव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ड्रग यूज्ड बाय हेल्थ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट रेस्पायरेटरी इलनेस इज। एक्यूट रेस्पायरेटरी इलनेस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इनमें से कौन सी ड्रग इस्तेमाल की जा सकती है? कोट्राइमोक्साजॉल, क्लोरामफेनिकॉल, बेंजाइल पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कोट्राइमोक्साजॉल। याद रखिएगा, कोट्राइमोक्साजॉल एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। कोट्राइमोक्साजॉल का निर्माण दो सब्सटेंसेस से मिलकर होता है, पहला है ट्राइमेथोप्रिम और दूसरा है सल्फा मैथोक्साजॉल। एक बार फिर से समझिएगा, ट्राइमेथोप्रिम और सल्फा मैथोक्साजॉल दोनों को मिलाकर हम कोट्राइमोक्साजॉल मेडिसिन के रूप में जानते हैं, जो कि बैक्टीरिया के कारण हुई एक्यूट रेस्पायरेटरी इलनेस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जा सकती है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम के रिगार्डिंग तैयार किया था। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपकमिंग एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सिस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।